बच्चों बच्चों ने कहा सर सिली मिस्टेक ने हैरान परेशान कर रखा है। तो बच्चों आपको इस वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ कि आपने खामाखा ये मेहमान बना रखा है। हैरान परेशान छोड़ो, आप तो सोचो ये बिन बुलाए मेहमान क्यों आ रखा है, और ध्यान से देखें तो इसके कारण में ही इसका निवारण छुपा रखा है। कहते हैं सावधानी अटी दुर्घटना घटी, सावधानी रखी दुर्घटना टली, जल्दी जल्दी से देर भली। जिस मिस्टेक का नाम है सिली, जरा सोचो क्यों आपसे आकर ये मिली। बच्चों आपका अभी तक इससे मिलान परिचित हो चुका है। सर क्यों दुखती रख पे हाथ रख के हमें परेशान कर रहे हो, हमारा मजाक बना दे। घायल की गति तो घायल जाने और घायल को घायल पहचाने। अरे इसे ढंग से पहचान करो। आपके जो एग्ज़ाम होते हैं ना, इसमें जहाँ सिली मिस्टेक के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग होती है, वहाँ कई बार देखते हैं कुछ बच्चों के 2, 5, 7% किसी के तो 10, 20, 25% तक सिली मिस्टेक होती है। ऐसे मान लो किसी एग्जाम का टॉप और कट ऑफ का जो डिफरेंस होता है वो बच्चों का कई बार सिली मिस्टेक का परसेंटेज लॉस होता है। समझदार को इशारा काफ़ी है, यानी आप इस पर कंट्रोल कर लिया तो आप इसके टॉपर भी हो सकते हो एग्जाम के, और ध्यान नहीं दिया लापरवाही करी तो सिलेक्शन के लाले पड़ सकते हैं। इसलिए सिलेक्शन के लिए अनमोल क्या, सिली मिस्टेक पे करो कंट्रोल, तो मिल जाएगा आपको गोल जिसमें आपका ही पूरा रोल। बच्चों मैं तो ये कह सकता हूँ ये जो आप पढ़ाई कर रहे हो इसमें होता है कई बार कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता दूसरे को आ जाता है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपको आता है वो गलत क्यों जाता है, फर्क वहां पड़ता है। लड़ाई वहां लड़नी है, वहां पर जिद होनी चाहिए, वहां पर खुद से खुद का मुकाबला होना चाहिए। जरा खुद से खुद का मुकाबला करना सीखो। ऑलवेज गो फॉर एब्सोल्यूट कंपटीशन, नेवर गो फॉर रिलेटिव कंपटीशन। और जो खुद से खुद का मुकाबला करते हैं उन्हें मुकद्दर का सिकंदर कहते हैं। कौन होते हैं मुकद्दर सिकंदर? जो अपने बलबूते पे अपनी जीत हासिल करते हैं। अरे झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और मिलता है मनपसंद अपना करियर कॉलेज, लेने वाला चाहिए, छीनने वाला चाहिए, खींचने वाला चाहिए, झपटने वाला चाहिए। अरे काक चेष्टा की तरह लक्ष्य पे रखी नजर, और टूट पड़े बाज की तरह तो होगा पूरा असर। बच्चों सिली मिस्टेक कैसे क्वेश्चन में होती है? कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में, कोई फ्यूजिंग क्वेश्चन में, कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन में, कोई आउट ऑफ अप्रोच क्वेश्चन में, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन में? नहीं जी, सिली मिस्टेक होती है ईजी क्वेश्चन में, टाइनी क्वेश्चन में, प्लेन क्वेश्चन में, स्मूथ क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में जो आपसे कहता है मैं तुम्हारे लिए बना हूँ, बस तुम पहले मेरे हो जाओ फिर मैं तुम्हारा हो जाऊँगा। यानी वो आपको सीधे स्कोर देने के लिए बना है। देखिए हमारी प्लानिंग पहले से क्या होती है, जो हमारे ईजी क्वेश्चन होंगे टाइनी क्वेश्चन होंगे उनको जल्दी कर लेंगे, पहली प्लानिंग करके आते हैं, और जब सामने आ जाता है तो और खुशी हो जाती, और डबल खुशी हो गई तो, और खुशी में जल्दी हो जाती है, फिर जल्दी में गलती हो जाती है। लेकिन कहते हैं बच्चों गलती को सीखना चाहिए। आप जानते हैं गलती करना इंसान की प्रकृति है, लेकिन बाद में स्वीकार करना प्रवृत्ति भी होना चाहिए। और जिनकी स्वीकार करने की प्रवृत्ति संस्कृति होती है उनके आगे प्रगति होती है और सद्गति होती है। लेकिन इस घोर कलयुग में कुछ ऐसे इंसान भी है गलती खुद करते हैं और दूसरे के माथे मटका फोड़ते हैं, दूसरे के लिए माथे मोड़ देते हैं, और ऐसे लोगों की बाद में दुर्गति होती है, विकृति होती है। हम तो यहाँ बोलेंगे अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, और मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, लेकिन जो ठीक कर ले अपनी गलती को उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती करने के बाद स्वीकार करने की हिम्मत हो और सुधार करने की नीयत हो तो गलतियों से बहुत ज़्यादा सीखा जा सकता है। गलती बहुत बड़ा टीचर होती है। अपनी गलती से जो सीखे उसे कहते हैं इंटेलिजेंट, और जो दूसरे गलती सीखे उसे कहते हैं जीनियस। बच्चों जीनियस बनने का टाइम है, आप सब गलती करते आ रहे हैं, लेकिन जो कोई दूसरा कर रहा उसका भी ध्यान रखो। और आप देख रहे हो सिली मिस्टेक क्या होती हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा टाइप्स ऑफ सिली मिस्टेक्स, आपको मालूम है सिली मिस्टेक का कोई सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन सिली मिस्टेक में हर सब्जेक्ट में लॉस होता है। सिलेक्शन के लिए हर सब्जेक्ट का इजी 80% कोर्स होता है। मेरा तो मानना है ये सभी सब्जेक्ट का बिग बॉस होता है। जरा देखें ये बिग बॉस कितने तरह का होता है। इसमें यहाँ पर जितनी तरह की आपने मिस्टेक कर ली है आपको क्या करना चाहिए, अपना कोई पुराना पेपर है, मॉक टेस्ट आपने दिया है, उसमें जो गलती करी है उसको पॉजिटिव करके एक प्लेन पेपर पर लिख लीजिए, और हर को पॉजिटिव करने के बाद ऊपर नाम दे दो सेल्फ मिरर, और इसको अपने घर में जो आपका है स्टडी रूम उसमें जो आपकी टेबल है पढ़ने की उसके सामने की दीवार पर लगा दो, और फिर देखो
वो आपका क्या गजब का सुधार करती है। नज़र से नज़र मिलेगी और आपका हर दिन पढ़ाई में सुधार होता जाएगा। ज़रा देखें वो आपका सेल्फ मिरर क्या है मेरे साथ। ये वास्तव में सिली मिस्टेक्स के टाइप्स नहीं है, ये सबको पॉजिटिव करके लिखा गया है। और सबसे पहली जो सिली मिस्टेक होती है वो पढ़ना, हमारे पढ़ने का तरीका गलत होता है। अगर मैं आपसे बोलूं आपके सामने एक पेपर है और आपसे पूछूं आप इसको पढ़ रहे हो तो आप सीधे इसको देख के से पढ़ते हो, ये पढ़ने में मालूम नहीं पड़ रहा आप कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हो, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर एक साथ सब नज़र आ रहे हैं, फोकस ही नहीं है। जबकि बचपन में आपको पढ़ने का तरीका सिखाया, कुछ ध्यान आया जब आप पढ़ने जाते थे, ओरल एग्ज़ाम होता था और आपसे कहते थे जरा इसको पढ़ के दिखाओ, आपको मुंडी झुकानी पड़ती थी, उंगली रखनी पड़ती थी और उंगली चलानी पड़ती थी और एक नियम फॉलो करना पड़ता था, स्टॉप लुक एंड गो, कोमा आया थोड़ा रुकिए, फुल स्टॉप ज़्यादा रुकिए। तो बचपन का तरीका बच्चों आगे तक काम आएगा। और यहाँ तो आपके एग्ज़ाम में पढ़ना, फिर समझना, फिर सोचना, फिर प्रोसेस में करना और बाद में भरना, आंसर को मार्क करना या आंसर को OMR शीट में भरना, ये पांच बिल्कुल कनेक्टेड स्टेप्स हैं। और ये पांच कहते हैं हम पांच सही जांच नो आज, फिर सिली मिस्टेक कभी आपसे नहीं होगी। ये तरीका पढ़ने का बच्चों ध्यान रखो, आपके सामने आएगा, आप कभी इसमें गलती नहीं करेंगे। दूसरा, मेमोरी बेस कभी आंसर टिक नहीं करना। जितने भी सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे वो कंसेप्चुअल बेस हैं, नॉलेज बेस हैं, लॉजिकल बेस हैं, वहाँ पे केवल आपको बस पेन आंसर टिक करने के लगाना होता है। लेकिन आपको जो मेमोरी होती है ना, आप उसको देखते हो कहाँ लिखा टिक कर देते हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये नहीं है कि आंसर निकालो, आपको आंसर छांटना है और छांटने के लिए आपको सारे ऑप्शन देखने चाहिए। इसलिए मेमोरी बेस पर टिक ना करें, आप आराम से पूरा सारे ऑप्शन को पढ़िए, हो सकता है जो आपको आंसर याद हो उसके और साथे भी हो, इसलिए कई बार आपके बोथ ऑफ देम नन ऑफ देम आंसर गलत हो जाते हैं। अगर आपने इसका ध्यान रखा तो वो गलती भी आपसे हटती चली जाएगी। तीसरा, क्या पूछा इसे ध्यान रखते हुए सारे ऑप्शंस को पढ़ना। बच्चों ये गजब की चीज़ है, आजकल बड़े आपको मालूम है शातिर तरह से लोग क्वेश्चन बनाते हैं, विच इज नॉट करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, विच इज इन करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, याद आ रहा है, नॉट करेक्ट इन करेक्ट, यानी आपसे गलत छांटने की बात कर रहे हैं, आपकी स्मार्टनेस को चेक कर रहे हैं। और आपको मालूम बचपन से पढ़ाई की आदत क्या है, अभी तक हमेशा आप सही लिखते आए हो, सही ढूंढते आए हो, सही कहते आए हो, सही बोलते आए हो। क्लास में कोई सर पढ़ा रहे होंगे तो कभी किसी क्वेश्चन का ऐसा नहीं बोलेंगे कोई गलत आंसर बताओ तो, ये भी नहीं बोलेंगे सही आंसर बताओ तो, सीधे बोलेंगे आंसर बताओ तो। तो आपकी आदत पड़ी हुई सही ढूंढने की, सही बोलने की, लेकिन आज पूछा क्या गलत। तो ऐसे क्वेश्चन का तरीका क्या होना चाहिए ध्यान से देखना, स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है विच इज नॉट करेक्ट, जो इम्पोर्ट उसी को लिख रहा हूँ मैं, फ्रॉम द फॉलोइंग या इनकरेक्ट, तो दोनों में नॉट और इन पे आपने अंडरलाइन कर लिया, यानी आप अलर्ट हैं। लेकिन अब स्मार्ट भी बनना है, वैसे जमाना स्मार्ट वर्क का है, तो आपको मालूम पड़ेगा गलत छांटना है, तो आपने यहाँ पे जब खत्म हुआ एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया। अब आप खुद सोचो आगे इस क्वेश्चन में आपको ये जो लाइन आपने करी अंडरलाइन वो नजर आएगी, बड़ा सा क्रॉस नजर आएगा, क्रॉस नजर आएगा। अब मान लीजिए आपके ऑप्शन सपोज ABCD में है, जहाँ सिंगल आंसर क्वेश्चन होता है वहां पे आपके 1 2 3 4 भी हो सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। कभी ये क्वेश्चन हाई लेवल के नहीं होते, मॉडरेट लेवल के होते हैं, आराम से इसमें आप नंबर डेवलप कर सकते हो, इसलिए ध्यान से देखना। आपने पहला स्टेटमेंट पढ़ा, यहां खत्म हुआ, यह तो बिल्कुल सही है, तो आपको बड़ा सा क्रॉस नजर आया, आपने इसको यहां स्टेटमेंट को ट्रू करा, इस पर कुछ नहीं किया। आपने दूसरा पढ़ा, क्या कह रिया क्या धीरे समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन मार्क। तीसरा पढ़ा, बड़ा आसान, वेरी इजी स्टेटमेंट, सीधा ट्रू। चौथा, सीधा कंक्लूजन है, बिल्कुल सही ट्रू। अब देखिए इसके क्या क्या फायदे हो गए। सबसे पहले, पहला फायदा, आपने सारे ऑप्शन पढ़े तो ये आपकी सिली मिस्टेक खत्म हुई। दूसरा, आपको लास्ट ऑप्शन तक ध्यान रहा कि मुझे आज गलत छांटना है, तो आप स्मार्ट बने रहे। और तीसरा, डायरेक्ट आपको आंसर याद नहीं था लेकिन आपने तीन को फेल करके क्या पूछा है, आपने आंसर डेवलप कर दिया और क्वेश्चन को अपना बना लिया। ये कहलाता है ऑप्शन एलिमिनेशन थ्योरी, ये स्मार्ट तरीका जिसमें आप क्वेश्चन को अपना बना सकते हो। इस चीज़ को हम ज़्यादा ढंग से देखेंगे जब ये जे एडवांस के लिए मल्टीपल आंसर क्वेश्चन में एक ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे।
आप देख सकते हैं मैंने उसको 7 पॉइंट पे लिया और बोला है ब्रह्मास्त्र स्पेशली ये जेई एडवांस के लिए। वहाँ उनके मल्टीपल आंसर क्वेश्चन बच्चों से गलत होते हैं, तो जेई एडवांस के लिए जो बच्चे इसको ध्यान से दिमाग में नोट कर लें। आगे छोटी छोटी बातें, फोर्थ न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूनिट का ध्यान रखना, रखना ही भाई, फॉर्मूले में आप डेटा पुट कर रहे हो, क्वेश्चन आपका मान लो हीट का है, देंगे सेल्सियस में टेम्परेचर, फॉर्मूले जाएगा केल्विन में कन्वर्ट होकर आंसर निकले केल्विन में, लेकिन वापस ऑप्शन आएंगे सेल्सियस में, तो आपको ध्यान रखना है। कभी क्वेश्चन में डेटा आपको देंगे सेंटीमीटर में, कन्वर्ट करना होगा मीटर में, आंसर निकलेगा मीटर में, ऑप्शन होंगे मीटर में भी सेंटीमीटर में भी, तो ध्यान से देखना होगा। मान लो मीटर में, और आपने मीटर में आया और आपका आंसर वो वैल्यू लिखी थी सेंटीमीटर, उसको टिक कर दिया, गलत हो जाएगा, इसलिए प्रॉपर पूरा ध्यान रखना। स्पेस में कैलकुलेशन जब कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इतनी जगह कैलकुलेशन कर ले तो रफ कैलकुलेशन की जगह भर जाती है, तो इसमें ध्यान रखना, स्मार्ट तरीका है। जब आपको लग रहा है कि यार ऐसे कैलकुलेशन में ओवरलैपिंग हो सकती है, मिक्सिंग हो सकती है, तो खटाक से क्या करो, जहां आपको लग रहा है कि जगह साफ दिख रही है, आपने एक बॉक्स बना लिया और इस बॉक्स के बाहर रहेगी बाकी सब गुचर मुचर जो भी आपने किया था सब, या क्लियर स्पेस है, इस स्पेस पर आराम से आप कैलकुलेशन करोगे, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, कोई मिक्सिंग नहीं होगी, और आपसे ऐसी ब्लंडर मिस्टेक नहीं होगी। 6 OMR फिलिंग का स्मार्ट तरीका रखना। अच्छा, आपको मालूम है ऑफलाइन मोड में OMR फिलिंग की जाती है, लेकिन स्मार्ट बहुत ज़रूरी, क्यों? क्योंकि सब कुछ सिलेक्शन आपका इसी पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक बात इम्पॉर्टेंट, बड़ों ने कहा है कि एक बार में अगर एक काम करो कभी गलती नहीं होती, इसका बेस्ट तरीका क्या है बच्चों, आप पेपर को हमेशा इसमें टेक इट इजी एंड मेक इट इजी इसके अकॉर्डिंग करा करो। तो पहले आपका एक इजी राउंड होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट का ऑर्डर कुछ भी हो, जो आपको अच्छा लगता है उससे स्टार्ट करिए, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस उससे स्टार्ट करिए, लेकिन पहले हर का इजी करिए। पहले आपने आराम से तीनों सब्जेक्ट का एक इजी राउंड ले लिया, पेपर में काम खत्म हो गया, अब 10-12 मिनट जो लगता है उससे OMR फिलिंग कर दीजिए। ये पहला राउंड हो गया, सेलेक्टिव करो, सेलेक्ट हो जाओ, सिलेक्शन में मोड़ लग गई, अब सेकंड राउंड में आराम से करते जाओ और संग संग बढ़ते जाओ, और कभी भी देखो स्थिति क्या है, जितना किया उतना स्कोर प्रोड्यूस हो गया। इस तरीके से कभी आपकी सिले मिस्टेक नहीं हो सकती, और आप इसको आराम से मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस में करके देखना, OMR फिलिंग की कभी सिले मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक नहीं होगी। 7th मल्टीपल आंसर क्वेश्चन, ये बात खास इंपॉर्टेंट जेई एडवांस के लिए, वहां बच्चों के मल्टीपल आंसर क्वेश्चन में कई बार गलती होती है, आंसर एक आ रहा है लेकिन फिर भी सोचते एक आता और होगा और टिक कर देते, मिला के 2 कर दिए। ऐसा तरीका रखो कि कभी आपकी ऐसी आदतें नहीं पड़े, और वो तरीका क्या है, ऑप्शन एलिमिनेशन थ्योरी। जैसे मान लो आपके किसी क्वेश्चन के ऑप्शन है ABCD, आपके पास नॉलेज है, आपने पढ़ना चालू किया, ये नहीं हो सकता, इसके लिए कुछ नहीं कह पा रहे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब अगर ये आपके लिए मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है तो बच्चों को लगता है इसमें 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, जबकि मल्टीपल आंसर क्वेश्चन मतलब एक या एक से अधिक, और आजकल बड़े शातिर दिमाग के ये एक्सपर्ट हैं, ये जानबूझ के हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, बच्चों जो जे एडवांस के ध्यान सुनना, एक क्वेश्चन हमेशा ऐसा रखते हैं जिसमें आपका जानबूझ के एक ही आंसर आएगा, तो आपका ये ऑप्शन एलिमिनेशन थ्योरी, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अगर आपने प्रूफ कर दिया तब पूरा रखो कॉन्फिडेंस और दबंग होकर टिक कर दो जो आपको एक आंसर दिख रहा है, आपका वो स्कोर पूरा पॉजिटिव होगा, वो मल्टीपल आंसर क्वेश्चन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो बच्चों सार से ये पूरा आपका सेल्फ मिरर समझ में आया होगा, जिसमें जो धूल है उसको आपको हटाना है, जो भूल आपने करी है उसमें सुधार करना है, और ये सुधार करते जाओगे तो निखार आता जाएगा। तो बोलो बच्चों, अब स्वीकार है आपको कि सिले मिस्टेक में आपका ही कसूर, बोलो करते हो ना दिल से मंजूर, हम सबने मिलके देखा कैसे करे दूर, बस इन बातों का ध्यान रखना जरूर, अब सिलेक्शन भी होगा और मंजिल नहीं दूर, कोई आप में से बनेगा नूर तो कोई कोहिनूर। तो आज से कमिटमेंट करो आगे के लिए सफर में, अपनी अदालत में कमिटमेंट करो, इन सिले मिस्टेक पे कंट्रोल करना ही है, कैसे करना है तो करना है, लड़ना है, भिड़ना है, झगड़ना है, गिर गए तो फिर संभलना है, फिर उठकर आगे बढ़ना है, धड़कना है, गरजना है, बरसना है, क्योंकि करना है तो करना है, हर हाल में मंजिल पे जाके दम लेना है, अपना सपना साकार करना है। सो गिव योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट।